24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोड शो किया और एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने जगदलपुर को विमान सेवा का भी सौगात दिया और भिलाई में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यहां पहले असामाजिक तत्वों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब हवाई अड्डे और हवाई सेवा का बात होता है, इसे कहते हैं सबका विकास। क्योंकि पहले बड़े लोग हवाई जहाज में जाते थे, लेकिन अब वे गरीब लोग जो चप्पल पहनते हैं वे भी हवाई जहाज पर घूम पाएंगे। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने राज्य में भारी बारिश के कारण आए बाढ़ की स्थिति को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और बचाव व निकासी अभियान के लिए सेना की मदद मांगी। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री से राज्य में NDRF की टीमों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध किया। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, हरियाणा स्थित महेंद्रगढ़ के डेरोली गांव के एक निवासी ने मीडिया से अजीबोगरीब बात करते हुए सबको हैरानी में डाल दिया है। इस व्यक्ति का कहना है कि उन्हें गर्मी में सर्दी लगती है और सर्दी में गर्म महसूस होता है और वो गर्मी में कम्बल ओढ़कर सोते हैं और अलाव तापते हैं, जबकि सर्दी में बर्फ और आइसक्रीम का लुफ्त उठाते हैं। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल साक्य ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबी को हटाने की बात को लेकर सत्ता में आती रहती थी, लेकिन वो गरीबी तो नहीं हटा पाई, इसके बदले उन्होंने गरीबों को जरूर हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं से ऐसे बच्चे ना पैदा करने के लिए भी आग्रह किया जो भ्रष्टाचारी और असंस्कारी हो, क्योंकि इससे समाज में विकृति पैदा होती है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, चीन के वुहान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुए मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और मधुर होते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय तेल निगम के चेयरमैन संजीव सिंह ने चाइना के नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वांग इलिन से वार्ता की और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एशिया में कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए संरचना पर चर्चा हुई, ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले ओपेक देशों का दबाव कम किया जा सके। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की इफ्तार पार्टी के बहाने राहुल गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि आप पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाकर भाषण दीजिए, उनके संस्थापकों की तारीफ कीजिए, फिर एक जनेऊधारी के इफ्तार पार्टी में पहुंच जाइए, ये सब आपके पाखंड का ही तो हिस्सा है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक SBI की रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास विकसित राष्ट्रों का दर्जा हासिल करने के लिए सिर्फ 10 वर्ष हैं और इसके लिए भारत को सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। वहीं अगर भारत इस मोर्चे पर सफल नहीं रही तो जनसंख्या की लाभांश नुकसान में बदल सकता है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित ने बीजेपी में शामिल होने और राजनीति में आने पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि वो कभी राजनीति से नहीं जुड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के 4 साल की उपलब्धियां बताने जगह जगह जा रहे हैं और इसी क्रम में वे मेरे घर भी आए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, दिल्ली के CM केजरीवाल ने PM मोदी को पत्र लिखकर IAS अधिकारियों के हड़ताल मामले में अनुरोध करते हुए कहा कि IAS ऑफिसरों पर केंद्र और गवर्नर का नियंत्रण होता है, इसलिए आप इस पर हस्तक्षेप कर हड़ताल को खत्म करवाइए। दूसरी ओर केजरीवाल द्वारा LG हाउस पर धरने का मामला हाईकोर्ट में पहुँच गया है। हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि केजरीवाल और उनके कैबिनेट सहयोगी संवैधानिक दायित्वों की
पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली में संवैधानिक संकट आ गया है, इसलिए हाई कोर्ट इसमें दखल देते हुए इस पर सुनवाई करे। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, पीएनबी महाघोटाला मामले के आरोपी नीरव मोदी के सिंगापुर पासपोर्ट पर ब्रिटेन से ब्रिसेल भागने की खबर है। इस बारे में इंटरपोल ने भारत सरकार को सूचित किया है कि नीरव मोदी के भारतीय पासपोर्ट से 31 मार्च के बाद कोई गतिविधि नहीं हुई है। इससे साफ है कि वह भारत के पासपोर्ट पर नहीं बल्कि सिंगापुर के पासपोर्ट पर ब्रिसेल गया है। वहीं अब भारत सरकार नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए सिंगापुर पर दबाव डालना शुरू कर रही है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को उनके पहले टेस्ट मैच के लिए बधाई देते हुए कहा कि अफगानिस्तान टीम अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है और इस मौके पर मैं अफगानिस्तान के लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मैच के लिए भारत को चुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खेल से लोग और करीब आएंगे और हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में कन्नौज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ऐलान किया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे, जबकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कन्नौज की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी मौजूद थी। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, दिल्ली एनसीआर के आसपास सटे इलाकों में धूल भरी आंधी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में सामान्य से 18 गुना ज्यादा प्रदूषण स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांसें लेने में काफी कठिनाई हो रही है और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, तमिलनाडु के 18 विधायकों की वैधता के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के जजों के बीच एक राय नहीं बनने के कारण तमिलनाडु के सीएम पलानी स्वामी सरकार की मुश्किलें फिलहाल टल गई है। आपको बता दें कि अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराया और कहा कि स्पीकर के पास इसका अधिकार है। वहीं जस्टिस एम सुंदर ने स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि इन सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। जजों के इस फैसले के बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा से बड़े बेंच को सौंप दी गई है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सड़कों पर सीलिंग मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी और तब तक दिल्ली के सड़कों पर सीलिंग नहीं होगी। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय छात्रों पर जुल्म कर रही है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, राजद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के शरीक होने पर राजद नेता मीसा भारती ने बिहारी बाबू को राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप एनडीए से भी लड़ेंगे तो राजद आपके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया पर छा रहा है और ऐसे में अर्जेंटीना की एक जेल में कैदी खराब टीवी और केबल को ठीक कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कैदियों के बयान के अनुसार कैदियों के लिए केबल टीवी की सुविधा अनिवार्य अधिकार है, जो पिछले 3 दिनों से काम नहीं कर रहा है, जिस कारण इन्हें टीवी देखने में परेशानी हो रही है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, एक और ईद के मौके पर सलमान खान अभिनीत फिल्म रेस 3 रिलीज हो रही है। वहीं नवरात्रि के मौके
पर्दे पर सलमान खान के बैनर तले बन रही फिल्म लव रात्रि रिलीज होने वाली है। ऐसे में किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी फेस्टिवल सीजन को गंवाना नहीं चाहते हैं और इसलिए शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म जीरो का टीजर लॉन्च कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान सलमान खान के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, स्कोर ट्रेंड इंडिया के सर्वे में बॉलीवुड की क्यूट गर्ल आलिया भट्ट सबसे ज्यादा लाइक ट्वीट और रिट्वीट के लिए नंबर वन एक्ट्रेस हैं। आलिया को इस सर्वे में पूरे 100 अंक मिले हैं, वहीं इस लिस्ट में 89 अंक के साथ अनुष्का शर्मा दूसरे स्थान पर है, जबकि दीपिका पादुकोण 76 अंक के साथ तीसरे और जैकलिन फर्नांडिस 64 अंक के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि प्रियंका चोपड़ा 63 अंक के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। तो ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।